नमस्कार, सीएमएन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कनिका। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं यूपी के बुलंदशहर की, जहां पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और अवैध शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पुलिस को मौके से तमंचे और अवैध शस्त्र बनाने वाले उपकरण बरामद हुए हैं। बहरहाल, इस सफलता के बाद पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है। मामले में गए थे, मुझ पे तमंचा लगाया। पहले भी तो तमंचा बनाया करे आप? हाँ ना, पहले नहीं बनाया तमंचा मैंने। कब बनाया तमंचा? मतलब किसी के संग रह करो मैं, जब तमंचा बनाया करे वो। हाँ। तो उसमें आरोप तो आप भी हो ना, तमंचा बनाते अब काय के लिए तमंचा बना रहे? जो या चुनाव आ रहा है, किसी का ऑर्डर था क्या? बनाया ही ना, बना का गए रोड पैसे तो अभी गए, जब इन्हें भगाए हम आते। नहीं तो पहले भी तो आप जेल के तमंचा के मामले में जेल गए हो आप, किसके साथ बनाए करे तमंचा? शहर की कस्बा खोरजा नगर की पुलिस ने रात गांव गोठरी में एक मकान में चल रही अवैध हथियारों की फैक्ट्री का किया है भंडाफोड़। कारीगर छोटे को गिरफ्तार कर भेजा है जेल। कैमरामैन अदनान के साथ रिजवान अंसारी, सीएमएन न्यूज बुलंदशहर। मुजफ्फरनगर के चरथावल में 14 साल के बच्चे का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव की सूचना मिलने से पुलिस मौके पर आ गई और उसे कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और अपनी जांच शुरू कर दी। बुलंदशहर में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए शहीद सैनिकों की शहादत का एयरफोर्स द्वारा बदला लिए जाने पर लोगों ने विजय जुलूस निकाला। लोगों ने जमकर आतिशबाजी की और डांस कर अपनी खुशी का इजहार किया। आपको बता दें कि इस जुलूस में एक दिव्यांग ने जमकर डांस किया। जुलूस की अगर बात करें तो यह जुलूस 2 किलोमीटर से भी अधिक लंबा था। हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे। चारों ओर बस हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। लोगों ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडियन एयरफोर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। पुलवामा हमले के 12 दिन बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों पर हमला किया और आतंक का खात्मा करने का काम किया, जिससे देशवासी बेहद खुश हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने गोमाता चौक पर सेना की इस कार्रवाई पर जश्न मनाया और लोगों को मिठाई खिलाई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों की धुन पर डांस भी किया, साथ ही भारत सरकार की ओर से सेना को बधाई दी। आज जो आतंकवादियों को गिराने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारी देश की सेना ने किया है, इससे आज जबलपुर शहर का युवा बड़ा उत्साहित है। आज हम लोगों ने ढोल धमाके के साथ नाचा है। आज 13 दिन हुए हैं हमारे शहीदों को शहीद हुए हुए, और उनको श्रद्धांजलि देने का काम भी हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने किया है। आप देख रहे हैं जबलपुर शहर का युवा किस प्रकार से जो है रोड पकड़ के मिष्ठान वितरण कर रहे हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं और नाच नगाड़े के साथ जो है सभी खुशी मना रहे हैं। हमारे देश के लिए बहुत अच्छा दिन है। माननीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी भारतीय सेना को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने जो है हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए 13 दिन के अंदर जो है ये सर्जिकल स्ट्राइक उसमें की। पानीपत में चुनरी प्रोग्राम को लेकर जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई, जिसमें कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर चर्चा की गई, साथ ही कार्यकर्ताओं की ड्यूटियां भी लगाई गई। जारी है, जिसका समय 11 बजे का निर्धारित किया है और उसी के उपलक्ष्य में आज संभालखा हल्के की और पूरे जिले के जितने सीनियर पदाधिकारी हैं सभी यहाँ आए थे, और हमारी महिला की प्रधान JJP की श्रीमती शीला भयाणी जी और जो हरी चुनरी चौपाल के प्रभारी राजेंद्र नेताली जी, बहन फूलवती जी, जिलाध्यक्ष सुरेश काला जी, सभी साथी मास्टर जी रमेश जी, सभी साथी इसी विचार को आए थे कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में महिलाओं को आटा गांव में लेके आना है। और नैना चौटाला जी की जो इतने अच्छे तरीके से महिलाओं से मिलती हैं, जो इतने अच्छे वक्ता हैं, उनसे रूबरू होने का एक मौका, एक अवसर मिले, नारी शक्ति को आगे बढ़ाने का हमारा लक्ष्य। देखिए, वो एक सेना का अपना सर्जिकल स्ट्राइक है, वो किस तरीके से क्या कर रहे हैं वो अच्छी बात है। अगर पुड़गांव में जो इतना दर्दनाक हादसा, हमारे जवान शहीद हुए 44, मैं समझता हूँ कि इसकी जवाबी कार्रवाई बनती है और प्रधानमंत्री जी को भी और रक्षा मंत्री जी को भी और सेना को उचित कार्रवाई करनी चाहिए।